भी खेलना चाहते हैं कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स अपने फ्री वाले लैपटॉप पे, मतलब किसी ने अगर आपको सस्ता वाला लैपटॉप गिफ्ट किया है या आपको सरकारी लैपटॉप मिल चुका है, अब भैया सरकारी लैपटॉप प्रिंट्स क्या वो फ्री वाले लैपटॉप्स मिलते हैं ना अपने को, उसमें भी आप कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना चाहते हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना क्योंकि मैं आपके लिए कुछ 5 ऐसे गेम लेके आऊँ जो कि ओपन वर्ल्ड होने के साथ काफ़ी ऑसम गेम्स है एंड ज़रूर से इनको आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप पे कोई भी एक लट्टू गेम भी नहीं चलता। आज का वीडियो होने वाला काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ कुछ ऐसे 5 गेम जो कि आप अपने पटेटो से पटेटो पीसी लैपटॉप पे आराम से रन कर सकते हैं। यहाँ आपके पास अगर 2GB रैम है और डुअल कोर का प्रोसेसर है और ग्राफिक कार्ड के नाम पे कुछ भी नहीं तो भी आप इन 5 गेम को प्ले कर सकते हो बिना किसी लैग के। बस आपको इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बार दोस्तों जो सब्सक्राइब के बटन में बेल आइकन है उसको जोर से दबाना क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और एक बात दोस्तों कि अगर आपके प्यारे दोस्त ने या आपने स्क्रॉल करते करते इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, जो हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है एलए नोरी। एंड दोस्तों एलए नोरी एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया टीम के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड दोस्तों बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 3, Xbox 360, अपने Windows प्लेटफॉर्म एंड अपने Xbox One में आराम से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर मोड देखने को मिल जाता है। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया 17 मई 2011 को इस गेम को रिलीज़ किया गया था। अब भैया थोड़ी गेम की बात कर ले, जो हमारा जो गेम का जो मेन करेक्टर है वो डिटेक्टिव रहता है जो कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस दिए जाते हैं एंड साथ ही साथ जब वो केस सॉल्व करने जाता है तो भैया आपको पता ही है कि चोर बनमाश कैसे रहते हैं, मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी एंजरस मोड देखने को मिलने वाला है। एंड जो आपका जो गेम का मैप है वो पूरा लॉस एंजलिस पे बेस है, पूरा आपको ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप बेसिकली आपको अधिकतर फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा एंड आफ्टर मिशन कम्प्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फिटक सकते हो, मतलब आप एक जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड में करते हो वो सभी चीज़ आप इस गेम में कर सकते हो। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। अगर आपने अभी तक इस गेम को खेला नहीं तो भैया एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मैंने 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 7GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। ये गेम नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंथ्रो 2। एंड दोस्तों सैंथ्रो 2 एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैल्यूएशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे विंडोज प्लेटफॉर्म, प्लेस्टेशन 3, Xbox 360 एंड अपने लिनक्स प्लेटफॉर्म में काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। एंड वेल गाइस, इस गेम को रिलीज किया गया था 23 जनवरी 2009 को। एंड बेसिकली मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम आप बोल सकते हो कि सैंथ्रो 1 का पूरा सीक्वेंस गेम है। सैंथ्रो सीरीज का सेकंड गेम निकल के आता है। वो कुछ मिशंस दिए जाते हैं एंड साथ साथ जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो भैया जो सिटी में आप मिशंस कंप्लीट करोगे वो पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ पर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से, काफ़ी बड़ा मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक GTA सीरीज का गेम खेलना चाहते हो तो भैया ये गेम आपके लिए काफ़ी OP होने वाला है। एंड इस गेम में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्टोरी लाइन है दोस्तों। एंड मिशंस की बात करें तो भैया काफ़ी OP यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफ़ी OP ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया यहाँ पर मैं इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1.5GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 128MB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 13GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं
तो भैया खुद फन के हमारे वेबसाइट पे जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो तीसरा गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द गॉड फादर 2। एंड दोस्तों, द गॉड फादर 2 एक आपका ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया ईए रेडवुड के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीका से उपलब्ध है। इसे अपने विंडोज प्लेटफॉर्म में खेल सकते हो, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360 में आराम से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम के रिलीज डेट की बात करें 10 अप्रैल 2009 को इस गेम को रिलीज किया गया था। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे गेम का मेन कैरेक्टर रहता है उसके परिवार को एक लोकल गैंगस्टर के द्वारा मार दिया जाता है। तो होता क्या है कि वो जैसे बचते बचाते अमेरिका में चले जाता है एंड कुछ साल के बाद जब वो वापस अपनी सिटी पे वो रिटर्न बैक करता है तो यहाँ पर उसका सामना जो लोकल माफिया है उससे होता है। तब तक वो लोकल माफिया काफ़ी हाइप बना चुका होता है और एक डॉन बन चुका होता है। रिवेंज लेता है एंड जो भी लोकल माफिया का रहता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, उनके बेस को एंड अपना बदला जो पूरा करता है। एक मूवी भी डेडिकेटेड बन चुकी है, तो अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा तो दिक्कत नहीं, आप गेम खेल के मूवी का मज़ा ले सकते हो। एंड इस गेम का जो मैप है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, साथ साथ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं एंड इस गेम का स्टोरी लाइन मेरे को काफ़ी ओपी लगता है। गेम की ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो भैया काफ़ी ओपी ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। और रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 9 GB के आसपास स्पेस खाली लगना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया मेरे वेबसाइट पे कूद फन की जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। पहुंच चुके अपने फोर्थ गेम के ऊपर एंड हमारा जो फोर्थ गेम निकल के आता है वो है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड 2012। वेल गाइस, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड 2012 आपका एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया क्राइटेरियन गेम के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड प्लेटफॉर्म की बात करें तो भैया ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीका से उपलब्ध है। आप इसे अपने विंडोज प्लेटफॉर्म, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन एंड फैक्ट अपने एक्सबॉक्स 360, iOS, एंड्रॉइड में आराम से खेल सकते हो। इस मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। रिलीज डेट की बात करें तो भैया इस गेम को रिलीज किया गया 2 नवंबर 2012 को इस गेम को रिलीज किया गया था। एंड वेल गाइस, बात करें तो भैया गेम में आपको रेसिंग करना रहता है एंड यहाँ पर आपको जो इस गेम का मैप मिलता है वो काफ़ी आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। सारे साथ जब आप रेस करोगे, जब आपको मिशंस दिए जाएंगे तो वेल गाइस आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इस गेम में आप अलग अलग सिटी पे ट्रैवल करोगे एंड दोस्तों इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ओपी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया काफ़ी कम है, आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप पे गेम आराम से मक्खन जैसा चलेगा। रैम की बात करें तो भैया मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। तो बल्कि हमारा लास्ट एंड फिफ्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है डेडपूल। डेडपूल की बात करें तो भैया डेडपूल एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है हाई मून स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है एक्टिविजन के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्ध है। आप इसे विंडोज, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 360 इनफैक्ट अपने एक्सबॉक्स 1 में आराम से खेल सकते हो। गेम की बात करें तो भैया गेम को रिलीज किया गया था 20 जून 2013 को इस गेम को रिलीज किया गया था। एंड वेल गाइस, मोड की बात करें तो भैया गेम में आपको यहाँ पर सिंगल प्लेयर देखने को मिल जाता है। एंड वेल गाइस, गेम की बात करें तो काफी एक्शन से भरा हुआ गेम है। मतलब क्या रहता है, यहाँ पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस दिए जाते हैं एंड साथ ही साथ मिशंस के साथ यहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है वो ओपन वर्ल्ड का मिलता है। मतलब यहाँ पर आप मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक भटक सकते हो, ठीक है, आप अलग अलग सिटी में यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके एनिमी को बेस को तबाह करना रहता है, डिस्ट्रॉय करना रहता है एंड जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे उसे आपको कंप्लीट करना रहता है। साथ ही साथ इस गेम में आपको काफी सारे फनी मूवमेंट देखने को भी मिल जाते हैं। वेल गाइस, इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफी ओपी, आपको जरूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप एक सुपर हीरो गेम खेलना चाहते हैं। तो वेल गाइस,
इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर अवेलेबल कर देना चाहता हूँ। और रैम की बात करें तो भैया मात्र 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो उन्हें 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 6GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। और अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है या सुपरमैन जैसे मेरे वेबसाइट पे जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस यही कुछ 5 ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके पोटैटो पीसी के लिए, जिसमें आप काफी अच्छे ग्राफिक्स साथ अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे इन सभी गेमों को आराम से खेल सकते हो। तो वेल गाइस बस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों इन 5 गेम में से आपको जरूर से एक गेम पसंद आया होगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इन 5 गेम में से आपको कौन सा फेवरेट गेम है या आप कौन सा गेम कंप्लीट कर चुके हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।